नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं टैग हाउस। आज हम यह बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। बिटकॉइन माइन करके आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और इंडिया में बिटकॉइन माइनिंग को हम कहाँ देखते हैं, चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। इस वीडियो से पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं बिटकॉइन के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए कि बिटकॉइन होता क्या है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग होता क्या है। जब भी हम कोई बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने यहाँ से दूसरे किसी फ्रेंड के पास एक ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो उस ट्रांजेक्शन हर ट्रांजेक्शन के पीछे एक मैथ प्रॉब्लम्स होती है। वो कब सोल्व होती है? जब एक बिटकॉइन जो है ट्रांसफर हो जाता है अपने किसी फ्रेंड के पास, वो पहुंच गया तो एक वो मैथ इक्वेशन सोल्व होती है। लेकिन वो सोल्व होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम की, पावरफुल ग्राफिक्स सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो कि इस मैथ इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इनिशियली जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जो बिटकॉइन माइनिंग थी वो बहुत ही सिंपल और सरल थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे इसके यूजर्स नहीं थे, बिटकॉइन माइनर्स नहीं थे, तो मैथ की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो बहुत ही स्मॉल होती थी। जो प्रॉब्लम्स जो स्मॉल होती थी वो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें एक सिंपल सा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और सिंपल जो मदरबोर्ड है वो भी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता था। लेकिन डे बाय डे जो मैथ की प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, तो वो सिस्टम इनफ नहीं है उन मैथ इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो उसके लिए आज के टाइम में जो स्टार्ट हो रहा है कि आज एक कंपनी है जिसका नाम है एंट माइनर। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल जो माइनर हार्डवेयर है वो है एंट माइनर S9। बता दें कि इस डिफरेंस क्या होता है कि एक स्पेशल एंट माइनर का हार्डवेयर है उसमें और एक जो नॉर्मल हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें। तो क्या हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो इस चीज को, प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता? तो बताना चाहूंगा वो सोल्व कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है हर 2 वीक्स में 5% के अराउंड जो है वो बढ़ता है, तो वो हमारा वो सिस्टम उसको सोल्व नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन मैथ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ही बना हो। तो उसके लिए जो बनाया गया वो है एंट माइनर S9। ये जो सिस्टम है ये डिपेंड होता है ASIC, यानी एक स्पेशल तरह का एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि सिर्फ इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बना होता है। इस सिस्टम का यूज करके आप इसमें कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चला सकते या कोई गेम या कोई सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं चला सकते। ये जो एंट माइनर होगा, ASIC जो इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, उसके थ्रू आप सिर्फ बिटकॉइन या फिर अदर जितनी भी जो डिजिटल करेंसी है जैसे बिटकॉइन है या कोई और करेंसी है, आप उसको सिर्फ माइन ही कर सकते हैं, इसके बजाय कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्या इंडिया में ये फिजिबल है बिटकॉइन माइन करना। तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में इंडिया में बिटकॉइन माइनिंग फिजिबल हो सकते हैं। आज एक जो दूसरी चीज भी जुड़ के आ रही है वो है बिटकॉइन जो माइनिंग होती है उसमें एक पूल माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आजकल जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है जो मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करने का वो बढ़ चुका है, तो एक सिस्टम बिटकॉइन की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व नहीं कर सकता। तो उनके लिए होता यह है कि जो तीन या चार कोई भी जो जिसके पास एक हाई पावर कंप्यूटर है वो इस्तेमाल करते हैं, 3 या 4 लोग, और उनके थ्रू वही एक मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व होती है। तो जो भी जो बिटकॉइन उनको मिलते हैं माइनर्स को, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक इक्वेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एक बिटकॉइन हमने ट्रांसफर किया तो उसका फॉर एग्जाम्पल हमें मिलता है रिवार्ड के तौर पे 0.3 बिटकॉइन। तो वो जो बिटकॉइन होगा वो तीन अगर बंदों ने मिलकर एक इक्वेशन को सोल्व किया है तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0.1 बिटकॉइन, इस बंदे को 0.1 0.1। तो फाइनली मैं यही कहूंगा अगर आप इंडिया में बिलोंग करते हैं तो शायद आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगा बिटकॉइन माइनिंग, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर आप सोच रहे हैं आपके कंप्यूटर में एक हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड, एक कंप्यूटर मदरबोर्ड का इस्तेमाल करके आप पैसा बना सकते हैं, तो बताना चाहूंगा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल की जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो स्टार्ट हो गए बिटकॉइन माइनिंग में, उनके इन उस पावर को हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में हैश रेट। हैश रेट अगर आपका कंप्यूटर ज्यादा जनरेट कर सकता है तो ही आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। एंट माइनर S9 है जो कि अराउंड 25 टेरा हाइट जो हैश रेट है वो प्रोवाइड करता है, और जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो गीगा हाइट्स में जो हैश रेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि फिजिबल नहीं है। तो इस वीडियो में बिटकॉइनिंग के बारे में आज सिर्फ इतना ही।
नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।